हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम माधव शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी, एंड वेलकम यू टू द वीडियो लेक्चर ऑफ पायनियर स्कूल पाटन. हियर वी आर हैविंग द स्टडी ऑफ इंग्लिश मीडियम 11th फिजिक्स अलोंग विद नीट एंड जेई प्रिपरेशन. और आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो सैटरडे टेस्ट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग. सो हम रिलेटिव वेलोसिटी का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे और उसमें जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेंगे. सबसे पहले आपको ये बताया था कि जब वी ए बी होता है तो हम वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी करते हैं, यानी कि हमें जब ए का बी के रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो तो हम इस तरह से करते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ बी है और ये वेलोसिटी ऑफ ए है. ये वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो हम सपोज दैट इनके बीच का एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट वेक्टर लेते हैं माइनस वी बी, और फिर उसके साथ इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 माइनस थीटा होता है, और हम ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वी ए बी से दिखाते हैं. ओके फ्रेंड्स, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है. ऑल दोनों ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ रहे, एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर, बट रिलेटिव उसका इस तरफ जा रहा है. तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन के बारे में हमने वेक्टर के डायग्राम से समझा है. अब आप लोग इसका फॉर्मूला भी आपने डेराइव कर लिया तो वो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपके सामने कि क्या फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वी ए बी के मैग्नीट्यूड के लिए. तो वी ए बी इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस टू वी ए वी बी कोस थीटा, यहाँ माइनस चलता है. ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये फर्स्ट वेक्टर से जो इसका एंगल है वो सपोज दैट अगर मैं बीटा लेता हूँ, क्या लेता हूँ, सपोज दैट ये एंगल क्या है बीटा, तो बीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी बी साइन थीटा डिवाइड बाय वी ए माइनस वी बी कोस थीटा. ये इसके डायरेक्शन के लिए. अगर आपको रेंडमली ऐसे ही कोई क्वेश्चन आता है, जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं उससे हटकर आपका कोई क्वेश्चन आता है, तो ये फॉर्मूला वैसे भी यूज़ करना आप लोगों को. नाउ फर्स्ट केस हम लेते हैं रेन का, रेन मैन वाला, तो उसमें डायरेक्ट आपको मैं अब जो आपने थ्योरी पूरा पढ़ लिया है अब केवल शॉर्टकट पे बात करेंगे कि रेन मैन प्रॉब्लम. तो जब रेन वर्टिकली नीचे जा रहा है, ओके, और मैन इस तरफ जा रहा है, तो आपका जो वी एम का माइनस ये रहता है, ओके, और ये फिर इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ओके, इन दोनों को मिला लिया अपन ने, ये डायरेक्शन इसका क्या हो गया, बीटा या थीटा, जो भी आप समझते हैं. नाउ अब ये एंगल अम्ब्रेला के लिए जब क्वेश्चन आते हैं, जब हमारे पास किसी ट्यूब को रखना उसके डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसके अलोंग उसको रखेंगे. ओके, ये उसका बीटा रहेगा. मैं आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, वो ध्यान रखें कि इस बीटा का डायरेक्शन क्या रहेगा, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स. इस ट्राइंगल से देख ले आप लोग कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है. ओके, ये अगर थीटा होता है, ये अगर थीटा होता तो ये बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर. सो वी एम बाय वी आर विथ वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ एंगल इतना बनाएगा. अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट क्या करना है, याद का ऊपर तो रखेंगे अब मैन बॉय वुमन जो भी मूव कर रहा है उस ऊपर उसका वेलोसिटी रखेंगे, और डिवाइड बाय नीचे रेन का वेलोसिटी रखेंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन का टेन इनवर्स में आंसर आ जाएगा. ओके, लाइक आपको एक क्वेश्चन लिया हमने कि वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन इज वी, ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, एंड द रेन इज फॉलोइंग विद वेलोसिटी यू, तो आपका जो आंसर होगा वो पर्सन की वेलोसिटी कितनी, वी डिवाइड बाय यू, टेन इनवर्स वी डिवाइड बाय यू. अब ये डायरेक्शन विद वर्टिकल होता है, किधर होता है, वर्टिकल के साथ. तो पर्टिकुलर इसके साथ विद वर्टिकल में डायरेक्शन वही आएगा जिस तरफ मेन मूव हो रहा है या जिस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज दैट ये वेस्ट टू कहाँ जा रहा है, ईस्ट, तो आपको लिखना विद वर्टिकल ईस्ट वार्ड विद वर्टिकल, मतलब यानी कि ईस्ट की तरफ लिखना है. अगर ये इधर से उधर जा रहा होगा तो ये एंगल यहाँ बनेगा, तो यानी कि जिस तरफ मोशन हो रहा है
वो विद वर्टिकल आएगा डायरेक्शन में. लाइक आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि अ पर्सन इज मूविंग नॉर्थ टू साउथ. कहाँ जा रहा है? नॉर्थ से साउथ जा रहा है विद वेलोसिटी 10. ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकंड. देन व्हाट इज द डायरेक्शन? तो अभी ये मेन का वेलोसिटी 10, तो ऊपर किसका रखना है? मेन का 10 डिवाइड बाय उसका 5, 10 इन्वर्स करना है और इससे जो आंसर आएगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? नॉर्थ टू साउथ, तो साउथ वार्ड विद वर्टिकल. ठीक है, इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, साउथ की तरफ रहेगा, यानी कि जिस तरफ मोशन का डायरेक्शन है वर्टिकल के साथ उस डायरेक्शन में वो अलाइन हो जाएगा और ये एंगल ऐसे ही डिफाइन होगा इस तरह से. और रिजल्टेंट क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी वी रेन विद मैन इज इक्वल्स टू वी मेन का स्क्वायर प्लस वी रेन का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट करके इसका मैग्नीट्यूड. तो इजी वे में आ जाएगा पाइथागोरस से, बट इसका डायरेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है. ओके, ये रेन मेन प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग बात करते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे. रिवर बोट प्रॉब्लम में आपका दो कॉन्सेप्ट आपने समझा है ओवरऑल, वो है जैसे पहले तो स्पीड ऑफ बोट या मेन या स्विमर वो कितना लेते हैं हम लोग? V1. स्पीड ऑफ रिवर वो हम लेते हैं V2. ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर हम कितना लेते हैं? वो लेते हैं D. ठीक है, अगर ऐसे हम कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको दो पार्ट में इसको मैं थ्योरी को समझा रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होगा. शॉर्टेस्ट पाथ जब आप चलेंगे तो आपको क्या करना होगा? देखें, जब आप शॉर्टेस्ट पाथ चलना चाह रहे हैं तो आप रिवर से थोड़ा अलाइन होकर चलेंगे, यानी कि आपको जाना यहाँ से यहाँ है, मतलब ए से कहाँ जाना है? आपको बी पर जाना है, पर आप सी की तरफ चलने की कोशिश करेंगे तब जाकर के आप इधर आएंगे. तो लेट अस सपोज कि इस डायरेक्शन से आप थीटा एंगल पर चले, तब आपने रिवर का वेलोसिटी ये था, ये V2 वेलोसिटी ऑफ रिवर. ओके, तो स्पीड की जगह वेलोसिटी कर लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. अब इससे ये 90 डिग्री है, ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी आ गया V12. ओके, इस रिवर की विड्थ कितनी है? D. तो इसमें आपको एक चीज़ तो ये याद रखनी कि V12 कितना होगा? V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर. साइन थीटा कितना होगा? इस एंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्पीड ऑफ रिवर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ मेन या बोट. ठीक है, तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स V2 बाय V1. ठीक है, ऊपर आएगा स्पीड ऑफ रिवर और नीचे आएगा स्पीड ऑफ मेन. इसमें आप एक लॉजिक ऐसे भी याद कर ले कि इसमें अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपका रेशियो 1 से बड़ा आ जाएगा और वो एंगल पॉसिबल नहीं है आपके लिए. तो V2 बाय V1 ही करना है, यानी कि छोटी वैल्यू ऊपर आएगी और बड़ी वैल्यू नीचे आएगी इसमें. अब आपका एक और टाइम टेकन के लिए जो फॉर्मूला चलता है D इक्वल टू D बाय और स्पीड कौन सी? V12. क्या है? V12, और इसी को आप ये कह सकते हैं D बाय V1 cos थीटा. ठीक है, V12 की जो वैल्यू है ये वाली वो भी यहाँ डाल सकते हैं आप लोग. ये एक थ्योरी पूरा हुआ इसका रिवर बोट प्रॉब्लम का. और दूसरा थ्योरी हम लोग शॉर्टेस्ट टाइम के लिए लेते हैं. अभी आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं समझा रहे, केवल फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे. तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम लोग ये लेक्चर आपको लिखना नहीं है, केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या करते हैं आप? ड्यू परपेंडिकुलर टू द रिवर, रिवर जो जा रही है उसके फ्लो से कैसे चलेंगे? परपेंडिकुलर चलेंगे. तो कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अ स्विमर टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम? तो उसको रिवर फ्लो से परपेंडिकुलर चलना चाहिए, या यू कह सकते हैं कि उसके वर्टिकल के साथ 0 डिग्री एंगल पर, या ये साउथ है ये नॉर्थ है. तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यू नॉर्थ. किधर जाना है? ड्यू नॉर्थ. अब ये उसका स्पीड है V1, रिवर का स्पीड कितना है? V2.
ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वी टू। अब ये इसका क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन वी वन टू, ठीक है, ये क्या हो गया एंगल फाइव। बात समझ में आ गई। अब रिवर की विड्थ कितनी ली हमने, डी। सेम टर्मिनोलॉजी यही चल रही है। अब आपके पास टाइम टेकन का फॉर्मूला रहता है, टाइम टेकन, तो इस बार आपको टाइम टेकन में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकालनी है, डी की डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वन है तो डी बाय वी वन, ओके। और दूसरा, अब हमको चाहिए ये शिफ्ट चाहिए, यहाँ से ये ए से कहाँ जा रहा है, बी पर, बट पहुँचता कहाँ पर है, सी पर, तो ये जो बी सी है वो आपका एक्स है, तो एक और हमको जो चाहिए वो वी वन टू बाद में निकालेंगे, पहले एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंस एक्स बाय डी, एक्स को जब किसी डिवाइड करें डी से, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, इज इक्वल्स टू वी टू बाय वी वन इज इक्वल्स टू टेन फाइव, ठीक है। तो ये हमारा एक्स जो है, शिफ्ट जो है, शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट टूवार्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, वी टू बाय वी वन इन टू डी, या वी टू बाय वी वन को अपन ने टेन थीटा लिख दिया तो डी इन टू टेन फाइव, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यूज़ करेंगे हम लोग शिफ्ट के लिए। अब आपका एक और लास्ट, कि इस रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू पूछ ले तो हमको क्या करना है, तो वी वन टू इज इक्वल्स टू क्या होगा, इस बार ये हाइपोटेनस है तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, ये ओवरऑल आपका थ्योरी हुआ है, ओके। अब इससे हटकर अगर फ्लेग वाले क्वेश्चन होते, ओके, तो सब में जो भी डायरेक्शन होता है फ्लेग का वो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग रहता है, या एयर के फ्लो को शो करता है, ओके। जब बोट रुका हुआ होगा तो एयर के वेलोसिटी को शो करेगा वो, और जब दोनों चलेंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी के अलोंग उसका डायरेक्शन रहेगा। अब हम आगे क्वेश्चंस लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, शॉर्ट में ये पूरा था, ओके। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। नाउ कुछ रेनमैन के प्रॉब्लम के जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे आपको जो बात आपको लर्न रखनी है वो डायरेक्ट याद हो जाए। सो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन में लिखता जाऊंगा, आप उसका मीनिंग समझ लेंगे, कि इफ वेलोसिटी ऑफ रेन इज 5 किलोमीटर पर आवर वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, एंड अ मैन इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल। What is the angle of umbrella should be kept? What is the angle of umbrella should be kept with vertical to avoid the rain? Okay, ऐसा question है और मैं इसके options दे रहा हूँ बहुत simple way में, A, B, C and D, ठीक है। लिखा हुआ है 10 inverse 5/7, ओके, और लिखा हुआ नॉर्थ वार्ड फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। देन 10 inverse 7/5 नॉर्थ वार्ड
विद वर्टिकल, ओके, देन नेक्स्ट 10 इनवर्स 7/5 साउथवर्ड, डी 10 इनवर्स 5/7 क्वेश्चन को अगर आप समझ सकते हैं तो मैंने क्या बताया था, ऊपर लिखना है मेन का स्पीड, नीचे लिखना है रेन का स्पीड और उसका 10 इनवर्स करना है, डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ वो पर्सन मूव कर रहा है, ओके। सो वेलोसिटी ऑफ रेन 5 तो वो डिवाइड में आना चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन में डिवाइड में आ रहा है, इसमें और इसमें, ठीक है, ओके। नाउ वर्टिकली डाउनवर्ड एंड द मेन इज मूविंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से कहाँ जा रहा, नॉर्थ में, तो डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ वार्ड। सो ये आपका आंसर हो गया कि 7/5 नॉर्थ वार्ड विद वर्टिकल, यानी कि ये आपका वर्टिकल है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, तो ये इसके साथ इस तरह से चलेगा थीटा एंगल बना करके इस तरफ से, क्योंकि ये नॉर्थ टू का, साउथ टू का जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, इसलिए ये इसका क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग। सोल्व करना नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है, ओके। अब डायरेक्ट आप आंसर को लगाना सीखें, रेन और मेन वाली प्रॉब्लम के आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। एक मैं यहाँ और लिख रहा हूँ क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑफ अ गर्ल इज पी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, इन द रेन विथ वेलोसिटी क्यू, ओके, डाउनवर्ड, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ अ ट्यूब केप्ट इन हर हैंड so that water falls in it completely without touching its edges, बिना इसकी एज को टच किए। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, एक गर्ल है, आपको सिचुएशन दूसरी दे दी लेकिन कंसेप्ट वही है, रेन मेन वाली प्रॉब्लम है, गर्ल हो गई मेन की जगह, गर्ल है, वेलोसिटी उसकी कितनी पी, ओके, पी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज पी मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज क्यू मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आपको केवल जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है वो डायरेक्शन नोट करना, मैं अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा ताकि आपका, अभी इसका जो रहेगा वो कहाँ से कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट और ये क्या आपका वेस्ट, तो गर्ल इज मूविंग लाइक दिस, ओके, रेन इज गोइंग वाइज दिस, ओके, समझ में आ गई बात। तो अब हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें जो ट्यूब रखना है वो उसी डायरेक्शन में रखना है, ऑल द रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐसे चलेगा, इसका माइनस लेके इस तरफ से सोल्व करके आप लोग करेंगे डायरेक्शन, लेकिन हमारा ये डायरेक्शन रहेगा, ट्यूब इस तरह से रहेगी, ठीक है, समझ में आ गई बात, उसी डायरेक्शन में रहेगी जिधर वो मूव कर रही है, और ये इससे वर्टिकल से एंगल बताएगा, समझ में आ रहा आप लोगों को, ऊपर क्या रखना है उस गर्ल की वेलोसिटी, नीचे क्या रखना है रेन की वेलोसिटी, और टू वार्ड वेस्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर लिख रहे हैं कि 10 इनवर्स यानी थीटा या बीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, ऊपर है गर्ल की स्पीड दैट इज पी, नीचे है रेन की स्पीड दैट इज क्यू, और किस तरफ है वेस्ट वार्ड विथ वर्टिकल, ओके। ऑप्शंस नहीं दिए, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, ऐसे ऑप्शंस के कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए आपको ये मैंने समझाया है। अगर यही हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पूछ लेते तो फिर वो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, ये पी और क्यू आपस में ऊपर नीचे हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। सो ये रेन मैन की प्रॉब्लम के दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, वो आप कर सकते हैं, नीट गाइड में पेज नंबर 85 पर क्वेश्चन नंबर 25, ओके, नीट गाइड में पेज नंबर 85 पर
क्वेश्चन नंबर 25 जो जेई के बच्चे वो नोट कर लेंगे, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। रेन किस स्पीड से हो रही है? 30 मीटर पर सेकंड से। क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकंड और अ वुमन राइड्स बाइसाइकिल विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ वुमन ट्वेल्व मीटर पर सेकंड, ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, यानी टूवर्ड वेस्ट है ये, तो आंसर में भी क्या आएगा, टूवर्ड वेस्ट चलेगा। 10 इनवर्स 12 बाय 30, क्या रहेगा, 10 इनवर्स 12 बाय 30, ओके, और टूवर्ड वेस्ट विद वर्टिकल ये इसका रहेगा। ये आप क्वेश्चन खुद से करेंगे, ओके। इसका एंगल निकालना है, व्हाट शुड बी द एंगल शी शुड कैप विद वर्टिकल, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ अम्ब्रेला शी शुड कैप्ड विद द वर्टिकल सो दैट ही मे अवॉइड द रेन, ऐसा करके आपको पूरा है, ओके। स्पीड ऑफ रेन 30 और स्पीड ऑफ जो वुमेन है वो कितना है 12, इसको सोल्व करके आप लोग देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ओके। बट इसको पूरा आपको सोल्व करना है, ओके, कि क्या इसका रहेगा और आंसर क्या होने वाला, 10 इनवर्स और ऊपर रह जाएगा 12, नीचे रह जाएगा 30, टूवर्ड वेस्ट, ओके, डायरेक्शन के हिसाब से क्वेश्चन आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग, तो लॉजिक यही याद रखें इस रेनमैन वाले में कि ऊपर तो रखना है मैन या वुमेन या गर्ल जो भी मूव करा उसकी स्पीड, और नीचे रखना आपको रेन की स्पीड, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा वर्टिकल के साथ जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव कर रहा है, और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन भी वही रहने वाला है, ओके। डायग्राम बना के भले नेगेटिव में आप फंस रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अम्ब्रेला ट्यूब वगैरह वो सब वैसे ही रहेंगे, ओके। नाउ वी विल गो टू सम नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन रिवर बोट प्रॉब्लम। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग, जिसमें एक स्विमर का स्पीड दे रखा है और क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, ओके। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ओके, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो स्विम कर सकता है। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, देन इफ स्विमर विशेष स्विमर इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, इफ स्विमर इज ऑन साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर along shortest path, then what should be the angle at which he should make the strokes with respect to north, what should be angle with respect to north, angle he should stroke with respect to north, okay, options है आपके,
ऑप्शन से आपको और ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा इससे। और इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का शॉर्टकट आपको दे रखा है 45 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 0 डिग्री। ओके, अब आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। ओके, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मीनिंग में ये था कि शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्वेश्चन है। क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, और हमें शॉर्टेस्ट पाथ के लिए समझाया गया कि अगर जैसे ये रिवर है तो नॉर्थ साउथ बना लेते हैं पहले, कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो रिवर ऐसे ही चल रही है, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि रिवर का डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ऐसा ही पढ़ रखा है। ओके, अब जो नॉर्मल के साथ यानी कि नॉर्थ के साथ, नॉर्थ का जो डायरेक्शन है उसके साथ सपोजेट वो थीटा एंगल पर चलता है, किस पर चलता है, तो उसका स्पीड क्या रहता है? V1। और रिवर का स्पीड क्या होता है? V2। आपको बता रखा है इस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स V2 बाय V1। क्या होता है? V2 बाय V1, स्पीड ऑफ रिवर बाय स्पीड ऑफ मैन या स्विमर। यही आपको लॉजिक समझाया था, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा होता है। अभी यहाँ पर रिवर का स्पीड क्या है? 10। और स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या है? तो साइन इनवर्स रिवर का स्पीड 10, उसका मेन का स्पीड 20, कैंसिल किया तो साइन इनवर्स 1/2। साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? 30 डिग्री की। सो द आंसर इज 30 डिग्री। और किस तरफ है ये? तो टूवर्ड वेस्ट है। किस तरफ है? वेस्ट। सभी ऑप्शन में वैसे वेस्ट दे रखा है तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, 30 डिग्री ये आपका आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन, इससे आप इस टॉपिक के लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन में इसके किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब आपका शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन होगा तो आपको एंगल निकालने के लिए साइन इनवर्स तो करना है, साथ में ऊपर रखना है आपको रिवर का स्पीड, नीचे रखना है आपको उस पर्सन का स्टिल वाटर में स्पीड, ठीक है, यानी कि उसका जो मेन स्पीड दे रखा है वो आपको लिखना है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ऐसा ही, जिसमें आप लोगों को सेम तरीका रहेगा। इफ स्पीड ऑफ रिवर इज 4 मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ बोट इज 5 मीटर पर सेकंड, देन What should be angle? Okay. To cross the river by shortest path. ठीक है, समझ में आ गया? अभी ये जो है फॉर्मूला डायरेक्ट आप आंसर लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स क्या चलेगा? साइन इनवर्स, ऊपर क्या लेना है? रिवर का स्पीड, वो कितना आपका? 4। और नीचे लिखना आपको उस बोट का स्पीड 5, 4/5, ठीक है, ये थीटा आ जाएगा। डायरेक्शन ये क्या रहेगा? जो ये वर्टिकल लाइन है उसके साथ, ठीक है। और अगर इसमें 90 प्लस कर देंगे तो ये विद रिवर फ्लो आ जाएगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप करते रहेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। इसी में चेंज करके क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ पर्सन इज 5 किलोमीटर पर आवर, इफ स्पीड ऑफ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड टूवर्ड ईस्ट, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ स्विमर to swim
सो दैट विथ रिवर फ्लो सो दैट ही मे क्रॉस रिवर बाय शॉर्टेस्ट पाथ। अब क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया आपके लिए कि ये जो एंगल दे रखा है व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ स्विमर टू स्विम विद रेस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। रिवर फ्लो के साथ में एंगल क्या होगा, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ स्विमर टू स्विम विद रिवर फ्लो, रिवर फ्लो के साथ उसका एंगल क्या होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं 127 डिग्री, 120 डिग्री, ओके सी ये रिवर फ्लो के साथ दिए हुए एंगल है 90 डिग्री, ओके और डी। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या बताया गया, वही फिगर ड्रॉ हो गया आपके माइंड में और पहले से ये फिक्स फिगर है इसका कि इस तरह से है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी टू, ये आपका एंगल है थीटा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन इनवर्स और रिवर की स्पीड वी टू बाय वी वन, ये साइन इनवर्स इसका कितना था वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड 3 डिवाइड बाय 5, साइन इनवर्स 3/5 करेंगे तो आपको अप्रोक्स ये 37 डिग्री मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ आपको एंगल है रिवर फ्लो के साथ एंगल, तो एंगल विद रिवर फ्लो वो आपका होता थीटा प्लस 90, ठीक है, उसमें ये जो डायरेक्शन है इसमें 90 और जुड़ जाएगा तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा थीटा 37 प्लस 90 डिग्री और 127। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया होगा विद रिवर फ्लो 127 डिग्री, ओके ऑप्शन ए करेक्ट आ गया आपका। मतलब गाइस क्वेश्चन ऐसे हो जिनसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, हम कोई हाईफाई क्वेश्चन आपको करवा के आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है हमें, ओके आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन में रिवर फ्लो का एंगल निकालने के लिए आपको साइन इनवर्स में ऊपर लिखना है रिवर का फ्लो, नीचे लिखना है स्विमर का फ्लो, बोट का फ्लो, मैन का फ्लो, जो भी है, ओके। अब इसमें टाइम का क्वेश्चन अगर इसी में डाल देते हैं तो टाइम का अपना क्या फॉर्मूला था कि डिस्टेंस डिवाइड बाय ये वी वन कोस थीटा, वी वन कोस थीटा ये भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है, और ये नहीं हो तो इसका रिलेटिव स्पीड निकाल ले आप लोग, इस जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि वी वन टू डी बाय वी वन टू, जो आपका डी बाय क्या था वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर था, किसी भी फॉर्मूले से आप लोग कर सकते हैं डिस्टेंस से टाइम निकालना हो तो, शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने में कहेंगे डिस्टेंस से टाइम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल कीप करते हैं। जो क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं वो न तो रिवर बोट का है न रेनमैन का है, बट कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का ही है, तो हम इसको मार्क करते हैं, ओके और सॉरी क्वेश्चन ये है कि रिवर ए और बी का सॉरी कार ए और बी का वेलोसिटी सेम है, ओके टू कार्स ए एंड बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आ रहा है और हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ओके सो कार ए का डायरेक्शन दे रखा है, कार बी का डायरेक्शन दे रखा है और हमें बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, समझे क्या क्वेश्चन है, आंसर क्या रहना चाहिए क्वेश्चन, कार ए एंड बी आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी सेम स्पीड, ठीक है, कार ए मूविंग टूवर्ड नॉर्थ विद स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी towards east then relative velocity
ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, क्वेश्चन को समझे, ऑप्शंस दे देते हैं आपको कि 5√2 किलोमीटर पर मिनट किलोमीटर पर आवर टू वर्ड साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ए 5√2 किलोमीटर पर आवर टू वर्ड साउथ ईस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन 5√2 किलोमीटर पर आवर टू वर्ड्स साउथ वेस्ट। ठीक है, 5√2 किलोमीटर पर आवर टू वर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और लास्ट 5√2 किलोमीटर पर आवर टू वर्ड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो भी आप समझते हैं, ये इसके डायरेक्शंस हैं और क्वेश्चंस में वैल्यू सब वही है। सो अब इसको आप रेन मैन के कॉन्सेप्ट से मिक्स ना करें, पहली तो गलती ये नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि रेन मैन में क्या था, वर्टिकल ऐसे था और दो डायरेक्शन ही ले रहे थे हम लोग। इसमें इसका बनाते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कार ए मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो कार ए जो है वो वी ए किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ओके, कार बी मूविंग टुवर्ड ईस्ट, तो ये कार बी मूविंग टुवर्ड ईस्ट। हमें निकालना है वी बी ए, क्या निकालना है, बी का ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, इट विल बी वी बी प्लस माइनस ऑफ वी ए। ओके फ्रेंड्स, सो द डायरेक्शन इसका नेगेटिव लेना है, वी ए का ये नेगेटिव ले लिया। ओके, अब ये हमारा, जब ये इन दोनों का निकालेंगे तो आंसर इस तरफ आएगा। ओके, ये आपका आ गया वी बी ए। ओके, सोल्व करेंगे इसका मैग्नीट्यूड किससे आएगा, वी बी ए इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 5√2। वो तो सब ऑप्शन में करेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन देखें आप लोग कि डायरेक्शन में ये जो एंगल आ रहा है वो साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है, साउथ ईस्ट के बीच में। ओके, तो ये एंगल ले लेंगे हम लोग थीटा। ओके, या ये ले लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, किसी से भी निकाल लेंगे। वो डेफिनेशन यहाँ पे पूछी नहीं है आपसे, आपको केवल डायरेक्शन पूछा है क्या है, साउथ ईस्ट है या ईस्ट साउथ है। ठीक है, वो कोई भी चलेगा। तो अब आप ये नहीं करें कि इधर डायरेक्शन बना दें, वो तो क्या था, जो अम्ब्रेला का प्रॉब्लम था ना, अम्ब्रेला नीचे तो नहीं रख सक रहे ना, तो अम्ब्रेला किधर रखेंगे, ऊपर। ओके, तो वो प्रैक्टिकली जो था इसलिए ऐसा किया अपन ने, ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा, यही इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ओके, तो द आंसर इज 5√2, बट क्या है, ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट, क्या बोल देंगे इसको, साउथ ईस्ट, बराबर। तो ऑप्शन देखें आप लोग, ये हमारे पास क्या है, साउथ ईस्ट। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो लगाया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल गो टू द शॉर्टेस्ट टाइम कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट टाइम के एक न्यूमेरिकल को करेंगे। अ रिवर फ्लोइंग विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर या 2 किलोमीटर पर आवर, जो भी है 2 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर विथ शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, देन व्हाट इज
टाइम टेकन, ठीक है, टाइम क्या लगेगा उसको, शॉर्टेस्ट टाइम है 15 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट, और 20 मिनट, ओके, इस तरह का ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, जैसे ही आपको बोला शॉर्टेस्ट टाइम, सो द केस बिगिंस लाइक दिस, कि ये कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, स्पीड ऑफ मैन विल बी स्ट्रेट, ओके, और रिवर का स्पीड ये रहेगा क्योंकि इसकी विड्थ कितनी है डी, ओके, तो ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा वी वन टू, बट जो इसका टाइम निकलता है, डायरेक्शन तो इसका सीधा रहता है, तो टाइम किससे निकलता है, डी बाय वी वन से, किससे निकलता है, डी बाय वी वन से, सो डी कितना आपका 1 किलोमीटर और ये कितना आपका 5 किलोमीटर पर आवर, ओके, सो आर ऊपर चला गया किलोमीटर से, 1/5 आवर क्या होता है, 1 आवर का 5th पार्ट, 60 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12 मिनट, ओके गाइस, सो ये आपका 12 मिनट ऑप्शन आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप करने से ना घबराए, ओके, इसी क्वेश्चन में आपसे बोलते ये बोल दे कि अगर आप ये शिफ्ट कितना है, मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ इसको, कि इसका शिफ्ट निकालो, तो हमने पढ़ा है कि x इक्वल्स टू वी टू बाय वी वन मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ओके फ्रेंड्स, क्या पढ़ा है, वी टू बाय वी वन मल्टीप्लाई बाय डी, तो वी टू कितना है, वी टू हमारे पास क्वेश्चन में 2 है, ओके, बाय 5 इंटू विड्थ कितना है डी, तो यही आपका आंसर आ गया 2/5 किलोमीटर, 2/5 किलोमीटर जिसको हो सकता ऑप्शन में आपको मीटर में दे रखा हो, 2000 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 400 मीटर आ जाएगा। इस तरह का आप लोग क्वेश्चन करना सीखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे कुछ और रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल के साथ, तब तक आप कल तक इन सबको लर्न कर लेवे, कौन से फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ना जाए, आपको की पॉइंट जो बता रखा उसको करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।